मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नजरें राजस्थान पर टिक चुकी है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट नाराज है। नाराजगी की वजह बताई जा रही है कि डिप्टी सीएम पायलट को भी एसओजी ने नोटिस भेजा है। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप के बीच रविवार को सियासी घटनाक्रम और तेजी से बदल चुका है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 12 विधायकों को दिल्ली के अलावा हरियाणा के तावड़ो स्थित एक होटल में होने की भी सूचना मिली है। दरअसल आपको बता दें, नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे कांग्रेस के विधायक सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात रखेंगे, इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। इस खबर के बाद अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। सोशल मीडिया पर सचिन पायलट के अगला सीएम बनने की चर्चा चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पायलट राजस्थान के अगले ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, क्या राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराना चाहती है। वैसे राजस्थान में गहलोत का गढ़ गिराना बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जितना आसान कतई नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वह भी नहीं छुपाई जा सकती। भले ही विधायक कह रहे हैं कि वह दिल्ली में अपने निजी काम से आए हैं, लेकिन अंदरूनी बातें राजनीति में दूसरी होती है। अगर राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह नहीं होती तो कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता कभी भी राजस्थान की सियासत पर बयानबाजी नहीं करते। आपको बता दें, कपिल सिब्बल भी अब राजस्थान की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के 15 विधायक दिल्ली में बताए जा रहे हैं, सचिन पायलट भी उनके साथ बताए जा रहे हैं। ऐसे में गहलोत की चिंताएं बढ़ गई है। राजस्थान में सियासी हलचले बढ़ने के बाद अब मुख्यमंत्री के आवास पर मंत्रियों और विधायकों का आना जाना शुरू हो चुका है। सीएम गहलोत अनौपचारिक रूप से बैठक ले रहे हैं, जहां अभी विधायक और मंत्री अपना समर्थन का पत्र मुख्यमंत्री को सौंप सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उनके जगह अगले सीएम सचिन पायलट होंगे। इसके लिए आपको यह आंकड़े समझने होंगे। देखिए, कांग्रेस के पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा सरकार को 13 निर्दलीय और एक राष्ट्रीय लोकदल के विधायक का भी समर्थन है, यानी गहलोत सरकार के पास 121 विधायकों का समर्थन है। भाजपा के पास इस समय 72 विधायक है और उसे मौजूदा स्थिति में बहुमत जुटाने के लिए कम से कम 29 विधायक और चाहिए। अब हमें देखना होगा कि क्या गहलोत एक बार फिर अपना जादू दिखाकर कुर्सी पर काबिज रहेंगे या नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।